दोस्तों नमस्कार। बेटी की शादी में इन पांच चीजों में से कोई भी एक चीज गलती से भी कभी मत देना। आपकी बेटी का बसा बसाया घर बर्बाद हो सकता है, आपकी बेटी कंगाल हो सकती है। दोस्तों ये बात तो आप जानते हैं कि दहेज लेना और देना आजकल एक कानून अपराध बन गया है, लेकिन फिर भी माता पिता अपनी खुशी से अपनी बेटी को कुछ न कुछ उपहार के रूप में दे ही देते हैं। कुछ माता पिता तो बेटी के जन्म लेते ही उसके लिए कुछ न कुछ संभाल कर रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कई माता पिता ऐसे हैं जो अपनी बेटी का बसा बसाया घर खुद बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए बेटी को कभी भी दहेज में पांच चीजें देकर विदा कभी मत करना। दोस्तों आपसे एक विनती है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप बाद में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और एक लाइक तो बनता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों नंबर वन, चाकू छुरी। चाकू छुरी जैसी तेज धार वाली चीजें अपनी बेटी को दहेज में नहीं देनी चाहिए। वास्तु शास्त्र में इन चीजों को नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला माना जाता है। बेटी को ये चीजें दहेज में देने से पति पत्नी में तकरार हो सकती है, ऐसा कभी मत करना, नहीं तो आपकी बेटी जिंदगी भर आंसू बहाती रहेगी। दोस्तों नंबर टू, झाड़ू। झाड़ू भी कभी भी बेटी को दहेज में नहीं देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू देने से घर की लक्ष्मी भी उसी के साथ चली जाती है, इसीलिए झाड़ू को कभी नहीं देना चाहिए। दोस्तों नंबर थ्री, ताला। ताला भी बेटी को दहेज में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे उसकी किस्मत के ताले बंद होते चले जाते हैं। पति की कामयाबी वहीं पर रुक जाती है और आपकी बेटी को कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों नंबर फोर, अचार रखने वाली बरनी। जिस बर्तन में अचार भरकर रखा जाता है वह बरनी भी बेटी को दहेज में नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसी खट्टी चीजें देने से उसके रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है, बेटी कभी भी सुखी नहीं रहती, ऐसा करने से उसके जीवन में मिठास खत्म हो जाती है। दोस्तों नंबर फाइव, सुई। सुई जैसी चुभने वाली चीजें भी बेटी को दहेज में कभी नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसी चीजें उसके वैवाहिक जीवन में चुभती है, उसे पीड़ा होती है और कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों नंबर सिक्स, छलनी। छलनी जिससे आटा छाना जाता है वह भी बेटी को दहेज में कभी नहीं देना चाहिए। दोस्तों नंबर सेवन, बेटी को दहेज में एकदम सफा चट, सफेद साड़ी, सफेद सूट, कोई भी चटकदार सफेद कपड़ा बेटी को दहेज में देने से उसका जीवन बेरंग हो सकता है, उसके पति पर संकट आने लगते हैं। ऐसा अनर्थ कोई भी पिता गलती से भी ना करे। जब आपने अपनी बेटी की शादी की है तो उसके जीवन को खुशियों और रंगों से भरे, ना कि एक स्त्री के विधवा रूप से। दोस्तों औरत की इन तीन गलतियों के कारण पति की मृत्यु पहले हो जाती है। भगवान करे दुनिया की कोई भी औरत ये तीन गलतियां कभी ना करे, नहीं तो पति की मौत बहुत जल्द होती है। दोस्तों गरुण पुराण में पत्नी से पहले पति की मृत्यु के तीन रहस्य बताए गए हैं। सबसे पहला, जब कोई नारी खास तौर पर करवा चौथ पर या बट सावित्री के व्रत में या कोई भी पति के लिए अगर आपने व्रत रखा है और आप चुपके से भोजन ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात पानी भी अगर पी लेते हैं, तो इससे निकट भविष्य में पति की मृत्यु आवश्यक पूर्वक हो जाती है। मन में भोजन के लिए लालसा भी व्रत के दौरान नहीं रखना चाहिए। ऐसी महिला को कई जन्मों तक पति से वंचित रहना पड़ता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि व्रत के दौरान जब कोई नारी व्रत को चुपके से तोड़ देती है और किसी को पता तक नहीं लगने देती, तो फिर भी पति की मृत्यु युवा अवस्था में हो जाती है। गरुण पुराण में बताया गया है कि जब कोई नारी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है तब उसको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, अर्थात व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने के बाद ही व्रत तोड़ना चाहिए, तभी ही पति की आयु लंबी होती है और निकट भविष्य में
पति पत्नी दोनों में दरार नहीं पड़ती बल्कि प्यार और बढ़ जाता है। इससे पति की आयु बढ़ती चली जाती है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। दोस्त, नारी की दूसरी गलती, बात बात पर पति की झूठी कसमें खाना, पति से बात बात पर झूठ बोलना, झगड़े आदि करना, मुख से गंदी गंदी पति को गालियां देना घोर पाप के बराबर माना गया है। ऐसा माना जाता है कि निकट भविष्य में ऐसे रिश्ते टूट कर बिखर जाते हैं और युवा अवस्था में पति की मृत्यु हर हाल में हो ही जाती है। कई लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं और श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को निभा भी लेते हैं, परंतु बात बात पर पति की झूठी कस्में खाना और गंदी गंदी गालियां देना, पति को लातों से मारना, बात बात पर परेशान करना, तो इससे पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है। और ऐसी नारी को गरुण पुराण के अनुसार पति से हमेशा के लिए वंचित रहना पड़ता है, क्योंकि पति परमेश्वर का रूप है। दोस्तों, नारी की तीसरी गलती, गरुण पुराण में बताया गया है कि जब कोई नारी मांस का सेवन करती है तब उसके पति पर कष्ट आते हैं और उसकी मृत्यु युवा अवस्था में हो जाती है। खासकर बृहस्पतिवार के दिन बाल धोने से पति की आयु और संतान दोनों की मृत्यु निकट भविष्य में हो जाती है। पति के होते हुए पराये पुरुष को देखने पर या संबंध स्थापित करने पर पति की मृत्यु युवा अवस्था में हो जाती है। जब कोई नारी अपना मंगलसूत्र उतार देती है और मांग भी सूनी रखती हो, ऐसे में हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल अगर वह नहीं पहनती है, तो इससे निकट भविष्य में वृद्ध यानी बुढ़ापा आने से पहले पति युवा अवस्था में मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाता है। पति से पहले भोजन करने वाली नारी का पति भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। रात देर तक सोने वाली और सुबह देर तक उठने वाली नारी का पति भी युवा अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कभी ना करें। जो महिला हफ्ते के किसी भी दिन व्रत नहीं रखती हो तो उसका पति भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। एक लाइक तो बनता है।